कैसे हो आप सब बच्चों? बिल्कुल ठीक हो? आप सब बच्चे एंजॉय कर रहे हो स्टडीज को? ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना बेटा? आपको क्लासेस में ये नहीं कि स्ट्रेस, मैम इतना सारा काम दे रही है, सब कुछ नहीं बेटा। आपको अच्छे से, जैसे मैम आपको काम दे रही है, आपको उसी तरीके से लर्न एंड ड्राइव करना है, ठीक है बेटा? आपको पढ़ाई को ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं, थोड़ा एंजॉय और थोड़ा सीरियस तरीके से आपको पढ़ाई को करना है। और सभी बच्चे अपना काम खुद से करेंगे, कोई भी बच्चा पेरेंट्स से नहीं बोलेगा कि आप हमारा लिख दीजिए, आप हमारा लिख दीजिए। आपको अपना काम खुद ही करना है बेटा, तभी आपको नंबर मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबको समझ में आ रही है मैम की बात? चलो बेटा, लुक एट द ब्लैकबोर्ड। टुडे डेट इज 26/8/2020। और डे क्या है हमारा? वेडनेसडे। WEDNESDAY वेडनेसडे। सबको समझ में आ गया बेटा? आपको डे और डे रेगुलर नाम बता दिए, आपको भी लर्न होनी चाहिए। ये सब हमारी क्या है? बेसिक चीज है, ठीक है? आपका आज का विषय क्या है? हिंदी। आपका आज का विषय क्या है बेटा? हिंदी। और हिंदी में आज हम क्या सीखने वाले हैं बेटा? आपने छोटी ओ से ओखली सीखी, अब छोटी ओ से ओखली के बाद क्या आता है? बड़ी ओ से औरत। ओ बड़ी, ओ बड़ी ओ से औरत। तो बेटा बड़ी ओ से औरत, औरत क्या होती है? औरत होती है वुमेन। क्या होती है बेटा? वुमेन। मैम क्या है? गर्ल है। आपकी मदर क्या है? वुमेन है, औरत है। सबको समझ में आ रहा है? जो मैरिड गर्ल होती है, जब उनकी शादी हो जाती है तो उनको क्या बोला जाता है? वुमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? वुमेन। वुमेन मतलब औरत। औरत पता चल रही है बेटा आपको? तो चलो आज हम बड़ी को कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। तो सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। पहले बताओ ये क्या है? आपने आ से छोटी ओ तक सीख लिया, तो आपको पता होना चाहिए ये क्या है। ये क्या है बेटा? ऊ, छोटा ऊ। अब बताओ, अब मैंने क्या बना दिया? आ, आ से अनाज। अब ये क्या बनाया मैंने? बड़ा आ, बड़े आ से आम, बड़े आ से आम, ठीक है बेटा। अब ये मैंने मात्रा लगाई, तो ये क्या हो गया? छोटी ओ, छोटी ओ से ओखली। और आज मैम आपको क्या सिखा रही है? बड़ी ओ, बड़ी ओ से औरत। तो ये क्या है बेटा? बड़ी ओ। बड़ी ओ को हम ऐसे लिखते हैं। बड़ियों में कितनी मात्रा आती है? दो मात्रा। कितनी मात्रा आती है बेटा? दो मात्रा। इसी तरीके से आप अपनी नोटबुक में 3 times 1 line में 3 times ही राइट करेंगे, लिखेंगे। तो पहले आप ध्यान से देखिए, आपको बड़ी ओ से ओ कैसे लिखना है। पहले आपने ये ऊ बनाया, ओ, आ, छोटी ओ, और बड़ी ओ में कितनी मात्रा आती है बेटा? दो मात्रा। तो क्या बना? बड़ी ओ, बड़ी ओ से औरत। इस तरीके से आपको साफ साफ हैंड राइटिंग में बेटा क्या लिखना है? बड़ियों से औरत। अब आप ध्यान से देखेंगे किस तरीके से मैम लिखा रही है। फिर आप लाइन खींचेंगे, मात्रा कितनी मात्रा है उसकी? बड़ियों में दो मात्रा बेटा। और ये जो दो मात्रा है वो एक इधर नहीं लगानी, एक ही पे दोनों मात्रा लगनी है। सबको समझ में आ गया बेटा? तो इस तरीके से आप क्या लिखते हो? बड़ी ओ, बड़ियों से औरत। बड़ियों से क्या होता है बेटा? बड़ियों से औरत। इस तरीके से आप दो मात्रा लगाओगे, ठीक है? एक रो में आपको कितने टाइम्स लिखना है? 3 times। दोबारा ध्यान से देखो, अगर आपको आ से छोटी ओ तक आ गया तो आपको पता होगा ये क्या है? ऊ। फिर मैम ने क्या बनाया? आ, आ, छोटी ओ। और जब आपकी दो मात्रा लग जाएंगी तो तब क्या बन जाएंगे? बड़ी ओ, बड़ी ओ से औरत। इस तरीके से आपको
बड़ियों से औरत। सबको समझ में आ गया आपको कैसे लिखना है? तो बेटा ये क्या लिखा है मैम ने? बड़ी ओ, बड़ियों से औरत। बड़ियों से क्या होती है? औरत। मैम ने समझाया ना औरत क्या होती है। औरत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वुमेन। ठीक है, अब ये आपका क्या है बेटा? ये आपका क्लास वर्क है। आपको ये क्लास वर्क में करना है बड़ियों से औरत, और आपको 3 times ही नहीं करना, आपको कितने टाइम्स करना है? आपको फुल पेज करना है पूरा। ठीक है बेटा, आपको मैम की तरह 3 times इधर और 3 times नहीं करना, आपको अपनी नोटबुक का फुल पेज बड़ियों से औरत लिखना है, और बोल बोल के लिखोगे तभी आपको क्या होगा? लर्न होगा, आपको रिकॉग्नाइज होगा। प्रनाउंस जितना करोगे, बोलोगे जितना, उतना आपको किस अक्षर की पहचान होगी। सबको समझ में आ गया? अब आप इधर देखिए स्टूडेंट्स, होमवर्क। होमवर्क में आपको क्या दिया जा रहा है बेटा? क्या लिखा है मैम ने? आ से बड़ी ओ, आ से बड़ी ओ तक लिखो व याद करो। आपको आ से ओ तक क्या करना है बेटा? लिखना भी है और याद भी करना है। जो बच्चे सिर्फ लिख देंगे बेटा और उसको याद नहीं करेंगे, प्रनाउंस नहीं करेंगे, उन्हें नहीं आएगा। आपको लिखते लिखते प्रनाउंस भी करना है। आप अगर इसको नहीं पढ़ोगे, ये अक्षर क्या है, अपनी नोटबुक में ऐसे लिखो आ, उसको पढ़ो आ, फिर आ छोटी ई, ऐसे पढ़ पढ़ के लिखोगे तभी आपको जल्दी आएगा, तभी आपको अक्षर की पहचान होगी, उसका उच्चारण सही करना है बिल्कुल। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? छोटी ओ, आपको फुल पेज पूरा छोटी ओ लिखना है क्लास वर्क में, और होमवर्क में आप लिखोगे आ से छोटी ओ तक लिखोगे है याद करो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।